एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक। सो आई नयन शिखुराना वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन ऑफ वोकैब शो। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लाइक करिए और शेयर करिए सब अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखते हैं हमारा पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है हमारा इरेडिकेटिंग, जो एज अ वर्ब यूज हो रहा है, जिसका मीनिंग है कम्प्लीटली रिमूव कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना, बिल्कुल नष्ट कर देना उस चीज को। सिनोनिम होते हैं एलिमिनेटिंग एंड एबोलिशिंग। नेक्स्ट एंटोनिम्स है एस्टेब्लिशिंग एंड क्रिएटिंग। सेंटेंस, द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। मीन्स डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं पॉवर्टी को, मीन्स गरीबी को। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिसर्जेंस, जो एज अ नाउन यूज हो रहा है। अ न्यू इंक्रीज ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और आइडिया दैट हैड बीन फॉरगॉटन। अब रिसर्जेंस कैसे याद रखेंगे हम? तो यहाँ पे जो देखो, री, जब भी वर्ड आपका री होगा, मीन्स रिपीट हो रहा है या कोई चीज़ अगेन हो रही है, तो हम रिसर्जेंस की उस चीज़ का दोबारा से स्टार्टिंग करना। ओके, तो सिनोनिम क्या होगी? रिवाइवल या रीबर्थ, कि दोबारा से किसी चीज़ की। सपोज आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और आपने वहीं पे वो एग्ज़ाम छोड़ दिया था, लेकिन अब आपका मन कर रहा है नहीं, मुझे दोबारा से वो एग्ज़ाम देना चाहिए, क्या पता इस बार निकल जाए वो एग्ज़ाम, क्या पता इस बार क्रैक हो जाए, तो वही स्टार्टिंग करना कहते हैं रिसर्जेंस। ओके, तो रीवर्ड से आप याद करेंगे कि दोबारा से। एंटोनिम्स होते हैं डिक्लाइन, कि नहीं नहीं करना। डिसअपीयरेंस, देयर वॉज अ रिसर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन द आर्टिस्ट वर्क आफ्टर द एग्जीबिशन, कि अब एक आर्टिस्ट गया, जब वो एग्जीबिशन देख के आया, उसको लगा कि नहीं, मुझे अपने आर्ट पे दोबारा वर्क करना चाहिए। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रेज्यूमटिव, जो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन अ रीजनेबल बिलीव बट नॉट येट प्रूवन, कि बस एक था, सुना है कभी कि मम्मी बोलती हैं कि ऐसा नहीं करते, कि थर्सडे को हम नेल्स कट नहीं करते। क्यों नहीं करते? कोई रीज़न नहीं है, साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कि एक चलता आ रहा है, उनको उनकी मम्मी ने बोला, उनको उनकी मम्मी ने बोला। इट्स लाइक दैट, कि चलता आ रहा है कि ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना है, मम्मी ने बोला इसलिए। ठीक है, तो प्रारंभिक, प्रोबेबल और लाइकली, कन्फर्म्ड, डेफिनेटिव। द प्रेजम्प्टिव एविडेंस वॉज इनफ टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, डिसेंटिंग एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। अब आप यहाँ से याद करेंगे डी आई, कि डी आई जो है नेगेटिव में यूज होता है, तो इसका मीनिंग है असहमत। एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट आर ऑफिशियली एक्सेप्टेड। ऑफिशियली कुछ और एक्सेप्ट है, लेकिन हम उससे असहमत है, मीन्स एग्री नहीं हो रहे, लाइक डिसएग्री विद दैट। ओके, डिसएग्रींग, अपोजिंग। एंटोनिम्स है एग्रींग और कंक्वेरिंग। द डिसेंटिंग वॉइसेस इन द मीटिंग वर क्रूशियल फॉर अ बैलेंस्ड डिसीजन। नेक्स्ट है पेरिल, जो एज अ नाउन यूज होता है आपका, जो मीन्स होता है सीरियस या इमीडिएट डेंजर, खतरा फील होना। सिनोनिम उसका होता है रिस्क और थ्रेट। एंटोनिम्स है सेफ्टी, सिक्योरिटी। दे फेस द पेरिल ऑफ द स्टॉर्म विद रिमार्केबल करेज, कि बहुत ज़्यादा खतरा फील होना, कहते हैं हम पेरिल। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंक्लूजन, जो एज अ नाउन यूज हो रहा है। द एक्ट ऑफ एंटरिंग समवेयर विदाउट परमिशन, अतिक्रमण कर देना बिल्कुल, कि कहीं पे विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन के घुस जाना, दैट मीन्स इंक्लूजन। इन्वेजन, सिनोनिम है एंक्रोचमेंट। एंटोनिम है रिट्रीट और विड्रॉल। द इंक्लूजन ऑफ लाउड नेबर्स रियोन देयर क्वाइट इवनिंग एट होम, कि बिना किसी, जैसे पार्टी हो रही है कि एकदम से बिल्कुल शांति से कुछ माहौल चल रहा है, एकदम बिल्कुल गानों की आवाज़ आ जाए कि घुस गए, उसको कहते हैं इंट्रूजन। नेक्स्ट है आपका एविक्टेड, जो एज अ वर्ब यूज हो रहा है। अप टू फोर्स समवन टू लीव समवेयर, कि निष्कासित कर देना उसको, उसके बगैर मर्जी से, जाओ निकल जाओ यहाँ से, घर से निकाल देना। सिनोनिम है आपके एक्सपेल्ड एंड ऑस्टेड। एंटोनिम्स है एडमिटेड, वेलकम, कि बुलाना। द टेनेंट वॉज एविक्टेड फ्रॉम द अपार्टमेंट ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड एक नाउन है। द लेवल और पॉइंट एट विच यू स्टार्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग और एट विच समथिंग स्टार्ट टू हैपन, मीन्स दहलीज, जहाँ से आप कोई चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं,
synonyms हो गया brink और verge कि बिल्कुल किनारा. Antonyms हो गया ceiling या limit जो end होता है. Stepping over the threshold, she entered a world of new possibilities. Last word है आपका culminating, जो as a verb use हो रहा है to reach the highest point or final stage of something. अब threshold से हम final stage पे पहुंच गए हैं. एंड सिनोनिम है क्लाइमेक्सिंग एंड कंक्लूडिंग कि एंड हो जाना. एंटोनिम है बिगिनिंग एंड स्टार्टिंग. विद इसी वर्ड के साथ हमारे कैब के वर्ड्स यहाँ पे एंड हो रहे हैं. द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर जस्टिस वॉज क्लिमिनेटिंग इन अ हिस्ट्री वर्डिक्ट, हिस्टोरिक वर्डिक्ट. तो अब हम स्टार्ट करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस. फर्स्ट है आपका बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. व्हाट डज इट मीन? This means making a wrong assumption or pursuing the wrong course of action, often because of a misunderstanding or misinformation. Means अब यहाँ से समझ सकते हैं barking up the wrong tree कि बिना किसी information जाने या बिना कुछ knowledge हुए किसी के ऊपर गलत आरोप लगाना या गलत गलत बोलना, इसका meaning होता है barking up the wrong tree. Next है beat around the bush. To avoid the main topic, not speaking directly about the issue, often to avoid giving a direct answer, to delay having to. अब कोई main topic चला है उस पर बात ना करके हम दूसरा topic start कर दे रहे जो बिल्कुल legal ही नहीं है या कोई important ही नहीं है उसके बारे में बात करना. Beat around the bush का meaning. Next है break a leg. अब यार किसी को बोला जाओ break a leg, तो break a leg का meaning ये नहीं कि जाओ पैर तोड़ के आ जाओ अपना. ब्रेक अ लेग का मीनिंग है जो एक ऐसा स्लैंग कह लो या फ्रेज कह लो जो ऑल द बेस्ट गुड लक की जगह यूज होता है. गुड लक को हम कहते हैं ब्रेक अ लेग. आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और टीचर ने बोला गो ब्रेक अ लेग स्टूडेंट्स, तो जाके पैर नहीं तोड़ना है, ऑल द बेस्ट. अ सेइंग यूज्ड टू विश समवन गुड लक स्पेशली बिफोर परफॉर्मेंस. ओके, लास्ट फ्रेज है आपका, सॉरी सेकेंड लास्ट है हिट द ग्राउंड रनिंग. टू स्टार्ट समथिंग विद ग्रेट एंथुसियाज्म एंड एनर्जी, मूविंग फॉरवर्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली. कि हिट द ग्राउंड रनिंग कि बिल्कुल कुछ स्टार्ट करना बहुत ग्रेट एनर्जी के साथ कि नहीं अब तो मैं मैराथन दौड़ के ही रहूँगा या फिर अब मैंने एग्जाम का फॉर्म फिल किया है तो मैं क्रैक करके ही रहूँगा, AIR1 ले आऊँगा. AIR1 नहीं लाना है, जॉब लेकर आनी है आपको. तो हिट द ग्राउंड रनिंग. लास्ट है आपका वंस इन अ ब्लू मून. अब यार इससे वर्ड से समझ में आ रहा है कि वंस इन अ ब्लू मून एक आध बार मीन्स कोई इंसान बहुत एक आध बार मिलता है, रेयरली हार्डली कभी कभार मिलता है. तो क्या बोलते हैं एन इवेंट दैट हैपन्स वेरी रेयरली. द फ्रेज सजेस्ट समथिंग इज सो अनकॉमन दैट इट माइट ओनली अकर व्हेन देयर इज अ सेकेंड फुल मून इन अ कैलेंडर मंथ विच इज़ अ रेयर अकरेंस. कि बहुत रेयरली कोई काम होना है कि मून के लिए क्यों यूज़ किया, जो सेकेंड फुल मून होता है वो बहुत रेयरली आता है, इसलिए वंस इन अ ब्लू मून. कि अरे तुम तो मिलते ही नहीं हो, इट्स लाइक दैट. तो इसी से आज का हम शो एंड करते हैं. जुड़ना ना भूले डेली 9 PM विद न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स एंड ईडियम्स एंड फ्रेजेस. थैंक यू सो मच.